हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हमारी दुनिया का ये चैप्टर नंबर 3 है, यानी फर्स्ट में ही हम लोग इकाई ख को देखेंगे, ठीक है। और इकाई ख में हम लोग जो बात करेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में बात करेंगे, और इस चैप्टर का केवल और केवल हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली जगह को भरने वाले और साथ में लघु तरीय प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। बाकी आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी बने रहें, क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। क्लास 8 से लेकर के क्लास 10, 9, 11, 12 सभी का आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर पे हम लोग बात कर लेते हैं और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर से जरूर हिट कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दीजिए, हम उसको लेकर के आगे आने वाले वीडियो में सुधार करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, यानी भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य वन में कौन है, यानी वन में सबसे ज्यादा कहां पे इस क्षेत्रफल है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए में मेघालय दिया है, ऑप्शन बी में आपको यहां पे मणिपुर दिया है, सी में मध्य प्रदेश दिया है और डी में महाराष्ट्र दिया है। तो वन क्षेत्रफल में बात किया है तो क्षेत्रफल में वो कौन सा राज्य है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये कर देता कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में, वन प्रतिशत सिर्फ कर देता तो किस कौन से राज्य में हो जाता, तो ये आपका मणिपुर में हो जाता, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है, यानी पूरे विश्व में कुल कितने प्रकार के वनस्पति हैं। ऑप्शंस यहां दिए गए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सही करना है। ऑप्शन ए में दिया है 5 लाख, ऑप्शन बी में दिया 10 लाख, ऑप्शन सी में दिया 50 लाख और ऑप्शन डी में दिया 10 लाख। तो बताइए कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 10 लाख। देखिए यहाँ पे बरगलाने के लिए 10,000 भी दिया गया था, लेकिन आप इसको बरगलाए नहीं, आप केवल और केवल उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें जो आपको पता है, और नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर पता हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 10 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी में बात करें तो ये दिया है शीतोष्ण पतझड़ वन, और ऑप्शन डी में दिया है कोणधारी वन। तो आपको बताना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं बच्चों, वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इनमें कौन उभयचर जीव है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया है केचुआ, बी में दिया है कछुआ, सी में दिया है यहाँ पे आपका कौवा और डी में दिया है बाघ। तो देखो यहाँ पे केचुआ की बात करें तो ये उभयचर है नहीं, ये पानी से या जो नमी वाले क्षेत्र इससे इसको बाहर निकाला जाए तो ये रहता नहीं, इसकी मृत्यु हो जाएगी। कौवा की बात करें तो ये तो केवल और केवल स्थल पे रहता है, ये पानी में नहीं रहता। बाघ की भी बात करें तो ये भी नहीं रहता, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कछुआ। और एक और आपका होता है मेढक, सांप भी होता है, तो आप सभी ये सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इनमें कौन भारतीय पशु नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिए जवाब यहाँ पे। ऑप्शन ए में दिया है मोर, ऑप्शन बी में दिया शेर, ऑप्शन सी में दिया ऊंट और ऑप्शन डी में दिया बाघ। तो कौन भारतीय राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है, जिसको टाइगर भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, टाइगर, बाघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि रेड डेटा बुक क्या है।
देखो एक क्वेश्चन ना आपको 10th क्लास में भी मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको 10th क्लास के ज्योग्राफी में मिलेगा कि रेड डेटा बुक क्या है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि रेड डेटा बुक क्या है। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है कि ये विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूची को लिखता है। ऑप्शन बी में दिया है कि भारत के वनों की सूची देता है, भारत के सभी पशुओं की सूची देता है, या ऑप्शन डी में भारत के सभी पक्षियों की सूची देता है। तो देखो ये तो सूची देता ही है, लेकिन ये ऐसे चीज को सूचित करता है जो विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये किसको सूचित करता है जो विलुप्त हो रहे होते हैं उनके बारे में ये दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा जरा आप सभी बताएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची को ये रेड डेटा बुक बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है, यानी हमारे देश में राष्ट्रीय कुल उद्यान कितने हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, ऑप्शन ए में दिया 448, ऑप्शन बी की बात करें तो 14, ऑप्शन सी में 85 और ऑप्शन डी में 21। तो हमारे देश में उद्यानों की जो कुल संख्या बच्चों वो आपका 85 है। कितना है? 85 है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हम लोगों का आने वाला है वो खाली स्थानों को भरने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होके खाली जगह को भरिए। यदि आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और यदि आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से भरते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वन है तो खाली जगह है, तो वन है तो खाली जगह क्या है? तो वन है तो हम हैं, यानी हम मतलब हम सभी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को खाली जगह कहा जाता है। तो कृत्रिम रूप से रोपे गए पौधों का रोपण जो किया जाता है, पौधों का जो रोपण कहलाता है उसे बोलते हैं सामाजिक वानिकी। क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक वानिकी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय वन से प्राप्त रसायन खाली जगह उपचार में उपयोगी है। तो हिमालय वन से जो प्राप्त रसायन है वो कैंसर के उपचार में उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? कैंसर। ठीक है, आप यहाँ पे कैंसर भर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि चंदन के वन खाली जगह में मिलते हैं। तो चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको कर्नाटक में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या भर दोगे? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खाली जगह वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो वन पाए जाते हैं बच्चों वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, और आपको पता है सदाबहार वन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य खाली जगह जिला में है। तो गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य है वो आपके बिहार के गया जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर दोगे? गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन को पृथ्वी का खाली जगह कहा जाता है। तो वन को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। तो इसमें आप क्या भर दोगे? फेफड़ा। और इस तरह के यहां से खाली जगह को हम लोग पूर्ति कर लिए, यानी खाली जगह को हम लोग शब्दों के साथ भर लिए। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको 50 शब्दों में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है कि सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है, यानी आप इसका डिफिनेशन दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे वानिकी कहा जाता है। यानी जनरली इसको समझने की कोशिश करें तो आप इसको लिख सकते हैं कि समाज के लिए वनों का विकास किया जाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के तीन प्रमुख वृक्षों के नाम लिखे, यानी आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के तीन प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। वैसे तो आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सिनकोना, महोगनी और नारियल, ये सभी सदाबहार वन के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे किस वर्ग के लोगों के लिए,
वो कौन सा वर्ग के लोग हैं जिनके लिए आश्रय स्थली का काम करता है? किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय आश्रय स्थली का काम करता है? वन यानी वन उनको आश्रय देता है, वो कौन सा समुदाय है? ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन वाला तो है नहीं, यहाँ पे आपको जनरली सीधे सीधे लिखना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए वन जो क्या होता है आश्रय स्थली का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि उन राज्यों के नाम लिखिए जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन में हमने यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, हमने उत्तर में लिखा है मिजोरम, मेघालय, असम, ये सभी वैसे राज्य हैं जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वनों के कोई तीन महत्व लिखिए, यानी वन के बारे में उसकी विशेषता को बता दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि वन के तीन महत्व कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट महत्व में आप देख सकते हैं कि वन से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। वन से क्या हमें प्राप्त होती है? लकड़ी प्राप्त होती है, या इसको डायरेक्टली फर्नीचर भी बोला जा सकता है। फिर वन से हमारे वातावरण को शुद्धि प्राप्त होती है, यानी हमारे वातावरण वन के कारण ही शुद्ध होते हैं। फिर उसके बाद देखें तो वन से चिकित्सा के क्षेत्र में औषधि को भी प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे क्या है यहाँ पे वन की विशेषता है, वन के महत्व को दर्शाता है, और इसीलिए वन को हम लोग संजो कर रखते हैं। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है, वन का विनाश लगातार जारी है। तो हम लोगों को जागरूक बनना होगा और वन के विनाश को रोकना होगा, तभी हम लोग वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध हवा ले सकते हैं, अन्यथा हम लोगों को प्रदूषण रहित क्या होगा आपको ऑक्सीजन या हवा मिल जाएगी, जिससे आपकी जो फेफड़े हैं उनको दिक्कत पहुंचता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, यदि बन रहेगा तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने यहीं पर कवर खत्म किया है, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। अगले चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, इसके लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें और वहां से क्लास 8 से रिलेटेड सारे वीडियो को देख डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।